नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा में कांग्रेस विधायकों की गैर मौजूदगी में बहुमत साबित किया है। हालांकि इस पर कांग्रेस विधायकों और नेताओं ने आपत्ति जाहिर की है। बहुमत साबित करने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी प्रशासनिक सर्जरी शुरू की और सबसे पहले अपने भरोसेमंद अफसर इकबाल सिंह बैस को प्रदेश का मुख्य सचिव नियुक्त किया। मध्य प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से पेश किए गए विश्वास मत प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई। इसके साथ ही एक दिन पुरानी चौहान सरकार ने सदन में बहुमत साबित कर दिया। चौहान ने विशेष सत्र के पहले एक दिन सदन की कार्यवाही प्रारंभ होने के बाद विश्वास मत पेश किया, जिसके आसंदी पर आसीन सभापति जगदीश देवड़ा ने पारित करने के लिए मतदान की औपचारिकता कराई। सदन में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस का एक भी सदस्य मौजूद नहीं था। इस दौरान हुए मतदान में विश्वास मत को ध्वनि मत के जरिए सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। भाजपा के वरिष्ठ विधायक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि बसपा, सपा और निर्दलीय विधायकों ने भी विश्वास मत के पक्ष में मतदान किया है। अतएव सभापति तालका के वरिष्ठ सदस्य आदरणीय जगदीश देवड़ा जी ने अध्यक्षता की थी। उन्होंने बैठते ही इनका आभार व्यक्त किया और उसके बाद में मुख्यमंत्री जी ने कोरोना से संबंधित सावधानियों का जिक्र किया और विश्वास का प्रस्ताव रखा। वर्तमान उपस्थित 206 सदस्य 22 के इस्तीफे के बाद 103 चाहिए आधे और 104 बहुमत के लिए चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के 107 संपूर्ण उपस्थित थे। बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी वाली पार्टी और निर्दलियों के समर्थन के बाद हमने पूर्ण बहुमत से भी अधिक लगभग 8-10 लोगों का समर्थन प्राप्त किया। इसके पहले शिवराज सिंह चौहान ने अपने संबोधन में कहा कि राज्यपाल ने सरकार को 15 दिनों के अंदर सदन में बहुमत साबित करने के लिए कहा था, इसीलिए वे विश्वास मत पेश कर रहे हैं। सभापति देवड़ा ने विश्वास मत प्रस्ताव पारित होने के बाद सदन की कार्यवाही 27 मार्च को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी है। हालांकि इस सारी कार्यवाही पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस नेता विवेक तनखा और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने इस बारे में ट्वीट भी लिखा है। मध्य प्रदेश में लोकतंत्र में तानाशाही की फिर शुरुआत। सरकार कल बदलती है, कल सरकार के एक मुख्यमंत्री बनते हैं, रात 12:30 बजे एक सत्र को आहूत किया जाता है, जो सत्र 26 तारीख से लगना था, जिसके लिए सब लोग प्रिपेयर थे कि विधायक क्षेत्रों से आ जाते, अपनी तैयारी के साथ आ जाते, उसे रात को 12:30 बजे घोषित किया गया कि सुबह से सत्र लगना है। कई विधायक क्षेत्रों के अंदर है, कई विधायक भी गंभीर बीमारी से, समस्या से अपने क्षेत्रवासियों के लिए कहीं ना कहीं जागरूकता अभियान फैला रहे। पूरे प्रदेश में कई जगह पर लॉकडाउन है, खास तौर से दो शहरों में इंदौर और भोपाल में कर्फ्यू की स्थिति है और उसके बावजूद सत्र को लगाना असंवैधानिक है। दूसरी तरफ शिवराज ने बहुमत साबित होने के बाद अपने भरोसेमंद अफसर इकबाल सिंह बैस को प्रदेश का मुख्य सचिव नियुक्त कर दिया है और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा मुख्य सचिव बनाए गए एम गोपाल रेड्डी को हटा दिया गया है। इसके बाद सीएम शिवराज सिंह एक प्रशासनिक सर्जरी करने वाले हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।